आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अंगारा की रेसिपी। तो आइए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब ऑयल। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 टुकड़ा दालचीनी, 3-4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 हरी मिर्च जिसे मैं 2-2 टुकड़ों में कर दूंगी, 4 लाल मिर्च, थोड़े से काली मिर्च, 1 कटे हुए प्याज। मैं इसमें डालूंगी 4-5 लहसुन की कलियां और 8-10 काजू। इसे प्याज को नरम होने तक हमें पकाना है। प्याज हमारा हल्का नरम हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े साइज से कटे हुए टमाटर और 1 चम्मच नमक, और इसे भी हल्का नरम होने तक मैं इसे पकाऊंगी। हमारा प्याज और टमाटर अच्छी तरह नरम हो चुका है, अब मैं इसमें गैस को करूंगी बंद। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे मिक्सी के जार में डालकर एकदम इसका महीन पेस्ट बना लूंगी। मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया है, अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लूंगी। फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, इसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह चला दूंगी। जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, उसे मैं एक स्ट्रेनर से छान लूंगी ताकि इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो निकल जाए। इसे मैं अच्छी तरह चलाते हुए छान लूंगी। मैंने अच्छी तरह छान लिया है। इसे छानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो और ये टुकड़े उसमें ना रहे। मैं इसमें डालूंगी चौकोर साइज में कटे हुए 1 बड़े साइज का प्याज और 1 बड़ी शिमला मिर्च जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। इसे चलाते हुए हमें हल्का नरम होने तक पकाना है 2 मिनट तक। डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह मिला दूंगी। जीरा पाउडर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें अपने कटे हुए पनीर के टुकड़ों को डाल दूंगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज्यादा, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और इसे अच्छी तरह ये देखिए हमारा ये पनीर अंगारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। चारों तरफ से थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। इसमें डालेंगे जली हुई ये आग और इसके ऊपर हम डालेंगे घी। अब हम इसे अच्छी तरह ढक देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, ये हमारा पनीर अंगारा बन के रेडी है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।